हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको ऐसे गैजेट्स दिखाने वाला हूँ जो कि आपको जरूर खरीदने चाहिए। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। नंबर वन, इमी। ये छोटा सा रोबोट चार अलग अलग मॉडल्स में आता है, सिटी, वाटर, अंडर वाटर और ऑफ रोड। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे अलग प्रकार की स्थितियों में उपयोग करने के लिए अनुमति देती है, जैसे कि रिकॉर्डिंग, रिसर्च और लेजर के लिए। रोबोट कुछ बड़े कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो कि आसानी से असेंबल किए जा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टूल के। इस डिवाइस के व्हील्स एक स्मार्टफोन या गोप्रो कैमरा के साथ इस्तेमाल करके पैनारोमिक फोटोज कैप्चर करने के लिए यूज किया जा सकता है। रोबोट अलग अलग प्रकार के सरफेसेस जैसे कि पत्थरों, रेत, बर्फ या पानी पर आसानी से घूम सकता है। इसे चलने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है जो कि डिवाइस की तरह अपनी खुद की लाइटिंग सिस्टम के साथ आता है। आपको कैसा लगा ये रोबोट कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक ऐसा रोबो हैंड दिखाने वाला हूँ जो कि कुछ भी बना सकता है। नंबर टू, मेकर आर्म। मेकर आर्म के क्रिएटर्स कहते हैं ये पहला रोबोटिक हैंड है जो किसी भी जगह पर अलग अलग काम कर सकता है। इस डिवाइस के जरिए आप 3D प्रिंटर्स पर ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, लकड़ी और एल्यूमिनियम काट सकते हैं, लेजर इंग्रेविंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेजेस को खोल सकते हैं और छोटे छोटे डिटेल्स के साथ दूसरे डिवाइसेस को असेंबल कर सकते हैं। इस हैंड का वेट 8 kg है और इसकी ऊंचाई 20 inches है। ये अलग अलग साइजेस और वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अब मैं आपको एक ऐसा रोबोट दिखाने वाला हूँ जो कि आपकी पूरी फैमिली की स्टडी करता है और इंटरैक्टिव भी है। नंबर थ्री, क्यूबोवन। ये रोबोट खासतौर पर परिवार में रोबोटिक्स की स्टडी को आसान और समझाने योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट इंटरैक्टिव है और एक साधारण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है। इसे असेंबल और डिसअसेंबल करना भी किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है, चाहे वो एक सीनियर नागरिक हो या एक बच्चा और उनका टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो। रोबोट की इंटरएक्टिविटी का लेवल एक जिंदा इंसान की तरह है जो कि स्मार्टफोन या स्मार्ट बटन की तरह एक गैजेट की तरह है। तो गाइस, आपको कैसे लगे ये रोबोट कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।